और मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग। आप देखो, फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो आज यार हम करने वाले हैं करेक्टर टेस्ट। जो न्यू करेक्टर आई है हमारी सोनिया करेक्टर, तो आज हम उसका एबिलिटी टेस्ट करने वाले हैं। और इसकी जो एबिलिटी यार थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है यार, क्या है मतलब, तो गेम के अंदर जाके ही पता चलेगा। तो यार इस करेक्टर का जो हम पहले पढ़ Take लेते हैं, over क्या मतलब horizon. क्या It's my क्या एबिलिटी destiny. है इसकी। तो यहाँ Adapting पे to यार लिखा change, हुआ है ये जीरो nature पॉइंट फाइव revolution. सेकेंड में आपको 150 HP का एक शील्ड देगा, वो भी 3 सेकंड के लिए। मतलब 3 सेकंड में यार एक एबिलिटी तो लगा रखा है मैंने 3 सेकंड वाला, और वो ओनियन करेक्टर का है, और ये भी 3 सेकंड के अंदर। मतलब देखते हैं यार गाइज क्या कर सकते हैं अपन 3 सेकंड के अंदर। मैं इस ओनियन करेक्टर के साथ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ 3 सेकंड के अंदर, पूरा स्क्वाड मार सकता हूँ। तो आज यार इस जो करेक्टर है इसके साथ भी खेल के देखते हैं यार कैसा है ये करेक्टर। तो चलो यार अपना गेम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे यार बंदे है ही नहीं यार, और मेरे हाथ भी सेट नहीं है, क्योंकि यार मैं अभी जस्ट खेल मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड खेला ही नहीं, सीधा गेम खेल रहा हूँ, बताओ। शाबाश बेटा, बहुत हाँ तो गाइस आ चुके हैं हमारे फर्स्ट राउंड की तरफ। और यार मेरा हाथ सेट नहीं है, और ये कटाना वटाना लेके आ गया हूँ मैं गलती से, बढ़िया. बॉन फायर लाना ही भूल गया हूँ। और यहाँ पे यार चलते हैं, चलो यार राउंड फटाफट स्टार्ट हो जाए। अबे यार ये करेक्टर चढ़ क्यों नहीं रही है, चलो यार दूसरी तरफ से चलते हैं। आप यहाँ पे यार बंदे फाइट तो कर रहे हैं, चलो यार घुस ही जाते हैं बंदे के पास। और यहाँ पे यार दो बंदे पीछे, यार ये बंदे जो है मुझे लग रहा है कैंपर है, कैंपर एक नंबर का ये बंदा आया। ओ भाई साहब, ओ भाई इसके पास भी यही करेक्टर है भाई, इसने भी यही करेक्टर यूज, देख रहे हो गाइस। ये देखो नॉक हो गया अपने आप ही, और ये देखो मेरे पास शील्ड आ चुकी है, और यहाँ पे यार मैं भी नॉक हो चुका हूँ। लेकिन यार कोई बात नहीं, अभी हाथ तो सेट नहीं है इनका, पुंगी का बात बाद में हो जाएंगे, एक दो राउंड हार जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे यार ये पहला राउंड तो डिफीट हमेशा का मतलब है कि पहला राउंड डिफीट हो जाता है यार। और यहाँ पे यार सेकंड राउंड की तरफ आ गए हैं बंदे, यार घूम घूम के आ रहे हैं, मतलब कैंपर है यार। CS में क्या कैंपिंग करते हैं, मुझे यार मुझे भी कैंपिंग करना ही पड़ेगा, हाथ तो सेट ही नहीं है। और यहाँ पे यार ये बंदा है, चलो इसको नॉक करते हुए। और यहाँ पे यार इसका किल तो नहीं आया सामने बंदी। ओ भाई यार इसने क्या मारा यार, हेडशॉट ही मारा सीधा यार, मतलब क्या ही डैमेज दिया मेरे को यार, समझ में नहीं आया मेरे को। सच्ची बता रहा यार हैकर तो नहीं है कभी, पता नहीं यार हैकर है कि क्या है। अब तो चलो किल तो आ गया यार मेरा, यार टीममेट मतलब किल तो दे दिया मेरे को एक। चलो यार ये पहला किल हुआ है इस करेक्टर के साथ, और मुझे पता नहीं है यार ये करेक्टर मतलब यूजफुल है कि नहीं, वो तो गाइज आगे पता ही चल जाएगा कि यूजफुल है कि Double नहीं है। लेकिन kill. आप वीडियो के साथ बने रहिए यार, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। और ये जो नानी ये जो भी है ट्रिपल फोर, इसको यार फोड़ूंगा जरूर मैं कैसे भी। और यहाँ से यार थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है, और मेरे बंदे यार फैल चुके हैं, और ये बंदे यार कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, पीछे पीछे घूम घूम के आ रहे। सामने से कोई आ रहा नहीं है तो मैं भी पीछे से घूम के आ रहा हूँ, सीधी सी बात है। मुझे पता है आप नूब बोलोगे मेरे को, मुझे पता है। और ये यार गाइस देख रहे हो यार क्या कर सकते हैं इनका, मतलब First सामने से आ रहे नहीं है blood. कोई भी, पीछे से घूम घूम के आ रहे, तो इनका क्या कर सकते हैं यार। हमको भी थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा, नहीं तो यार अगर रश करेंगे तो ये पता है कैंपिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से फोड़ देंगे अपने को। और यहाँ पे यार थर्ड राउंड पे लगता है मुझे हार जाएंगे यार। ओ भाई साहब एक बंदे को नॉक कर दिया भाई, निकाल दे यार ये राउंड तो कम से कम। चल दो तो नॉक कर दिया इसने। और यार भाई इस बंदे को मैं ठोकूंगा, पक्का ठोकूंगा कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे यार थर्ड राउंड लास्ट राउंड, अगर ये राउंड हार गए तो यार गया पूरा। खत्म. तो गाइस हमें कैसे भी करके ये राउंड हमको जीतना ही पड़ेगा। और यार ये यार लास्ट राउंड है, तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। आप घर भर के अंदर से जाते हो और बंदों को यार थोड़ा सा कवर दे के मारते हो उनको, मतलब किल लेने दो उनको, और हम कवर देंगे यार। अगर किल निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे यार अपना जो बंदा सामने की तरफ जो है First लड़ रहा है, तो blood. हम उसी के पास चलते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे यार एमपी होती है, ओके दो हेडशॉट लगाए था, लेकिन ओके बच गए। भाई साहब ये वही बंदा है ना भाई, इसको फोड़ना है कैसे भी। ओके गाइस इसको नॉक कर दिया। नानी नानी वाह नानी ट्रिपल फोर, मतलब क्या क्या नाम रख के आते हैं यार, कोई क्या नाम रखता है, कोई क्या नाम रखता है। वाइट ट्रिपल फोर तो सुना था यार, नानी ट्रिपल फोर भी आ गई, फिर चाचा ट्रिपल फोर आएंगे, फिर पापा ट्रिपल फोर आएंगे। हाँ तो गाइस ये एक ही करेक्टर जो है ये जूम करेक्टर का शील्ड यूज कर रहा है, और ये देखो नॉक हो गया भाई। मेरे पास ओरियन करेक्टर है भाई, इसके सामने चाय पानी कम सब कुछ है। और यहाँ पे यार जल्दी से हीलिंग मार लेते हैं और चलते हैं, लास्ट बंदा बचा हुआ है। चलो ये किल आ गए, यहाँ पे दो किल तो निकाल चुके हैं, और ये पहला राउंड साइड हम जीत जाएंगे, हमारे लिए वैसे थर्ड राउंड हो चुके हैं। और यहाँ पे यार देखते हैं यार बुइया भी निकाल लेंगे क्या इस करेक्टर के साथ, जो फर्स्ट गेम प्ले है यार, सच्ची बता रहा हूँ इसके
एक करेक्टर पे विश्वास तो नहीं है, लेकिन क्या करें, हम यूज कर रहे हैं यार, देखते हैं कैसा करेक्टर है। और यहाँ पे यार चलो यार बंदा जा रहा है आगे की तरफ, हमारे पास शॉर्ट रेंज गन है तो लॉन्ग रेंज यार, उसके पास स्नाइपर दिख रही है मेरे को और ये बंदा कूद रहा है, वो भाई साहब बच गया यार। आज MP40 भी यार नशे में चल रही है मेरी, पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। और यहाँ पे यार चलो यार फर्स्ट राउंड हम जीत चुके हैं, चलो देखते हैं यार सेकंड राउंड भी क्या जीत पाएंगे यार। यहाँ पे सेकंड राउंड तो स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे यार बंदे दिख रहे नहीं है, बंदे यार सच्चे बता रहा हूँ कैंपिंग कर रहे, रश कर भी नहीं रहे, ऊपर नीचे चारों तरफ से बैठे हुए हैं। और यहाँ पे यार देखते हैं कहाँ पे है बंदा। मैं तो भाई गाइस लॉन्ग रेंज में उन बंदों से फाइट करने वाला हूँ भाई, शॉर्ट रेंज में जाने वाला नहीं, क्योंकि यार मैंने ना तो ट्रेनिंग राउंड खेला और सीधा गेम के अंदर घुस दूंगा, मेरा हाथ भी सेट नहीं है यार। ऊपर की तरफ मतलब बंदे दो और बचे हुए हैं, तो चलो यार देखते हैं। वो भाई साहब मेरा बंदा नॉक हो चुका है और ये बंदा यार इसको हेडशॉट ही लो, टकले पे यार फोड़ दिया इसका 205 का डैमेज देके। और ये नानी भाई है, ये नानी भाई को मतलब क्या बोलते हैं, नानी 444 को हमने फिर से नॉक कर दिया यार। ये बंदा मेरे को दिमाग में मतलब खराब ही कर दिया था। और यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ यार, देखते हैं वो भाई ये भी ऊपर चढ़ा हुआ है यार, कहाँ कहाँ चढ़ के बैठोगे यार। और ये बंदा ओ भाई बच गया यार, हेडशॉट नहीं लगा। अब ट्राई करते हैं यार, वन टैप लग जाए तो मजा ही आ जाएगा यार। और इसी बात पे लाइक मार दो यार, लग तो गया। चलो यार इन दो बंदों ने नाक में दम करके रखा था, सच्ची बता रहा हूँ, इन दोनों को तो मार ही दिया यार सच्ची में। और यहाँ पे यार देखो यार दो राउंड निकाल दिया यार जैसे तैसे तो। और यहाँ पे यार बंदे बचे हुए हैं यार, कहाँ कहाँ जाओगे यार हमसे बच के, हम भी थोड़ा सा संभल के खेलते हैं यार। इस करेक्टर के साथ हमको भुइया निकालना है यार, भुइया निकल जाए तो मजा आ जाएगा। और हाँ गाइस यार अगर वीडियो पसंद आ चुकी है तो वीडियो को लाइक मार देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, भाई को इतना भी नहीं करोगे क्या। चलो यार यहाँ पे यार बंदा यार मेरा नॉक हो चुका है, उसको रिवाइव दे देते हैं, नहीं तो यार बोलेगा यार हाँ हमजादे ने रिवाइव नहीं दिया। अबे साले तभी और यार ये गलती से हमने एबिलिटी भी यूज कर ली, बताओ क्या यार क्या करें यार, ये मतलब मैं एबिलिटी यूज करा खराब कर दिया। अब यहाँ पे यार गोली लगेगी तो सीधा एक मतलब ईपी कम होते ही मेरी यार एबिलिटी चली जाएगी आप। और इसमें यार जो करेक्टर की जो एबिलिटी है ओरियन की यार बहुत खतरनाक है, इसको संभाल के ही यूज करना पड़ता है। और हमेशा इसको यार कम से कम 150 से ऊपर या 300 तक ही रखनी पड़ेगी यार, नहीं तो करेक्टर पता है यार काम का एबिलिटी नहीं रहता इसका, मतलब इसको थोड़ा संभाल के यूज करना पड़ता है यार। चलो यार ये राउंड भी हम जीत जाएंगे, एक ही बंदा बचा हुआ है। और यहाँ पे यार थर्ड राउंड इक्वल राउंड हो चुका है, तो देखते यार भुइया कौन लेके जाता है, वो सामने वाली टीम नानी मतलब नानी 444 या फिर SHG। तो यार देखते यार देखे कौन सा जाएगा प्लेयर। और यहाँ पे यार एक ही बंदा मतलब चार बंदे आगे की तरफ होते ना तो सच्ची बता रहा हूँ मजा आता था, लेकिन सामने की तरफ से रश कर रहे नहीं है ये, पीछे से आ रहे, तो हम थोड़ा कवर देंगे हमारे बंदों को ताकि वो किल ले जाए और यहाँ से यार भुइया निकल जाए। और मुझे नहीं लगता यार मेरे इतने किल होंगे क्या, मैं थोड़ा कैंपिंग कर रहा हूँ पता है मुझे भी। और यहाँ पे यार किल विल तो पता नहीं, मेरा बंदा नॉक होते हुए मुझे लग रहा है यार, यार इसमें जो बंदा है वहाँ पे नॉक हो चुका है। और यहाँ पे यार एक और बंदा नॉक, अबे यार यहाँ पे इसके दो मतलब एक बंदा नॉक है मेरा और एक बंदा उनका नॉक है, तो चलो यार देखते हैं जल्दी से जाके हम इसको मार देते हैं, नहीं तो ये रिवाइव हो जाएगा। ओ भाई साहब ओके भाई, ये जिगल वाली प्रैक्टिस है ना बहुत मस्त है यार, सच्ची बता रहा हूँ, आप जिगल बहुत ना करोगे ना हेड शॉट लगने के चांस बढ़ जाते हैं यार, सच्ची बता रहा हूँ। और यहाँ पे यार लास्ट बंदा बचा है, ओ भाई साहब बच गया। और यहाँ पे यार किल ले चुका है यार, चलो यार कोई बात नहीं गाइस। और यहाँ पे भुइया निकल चुका है और वो भाई साहब टॉप पे मैं ही आया यार, मुझे तो पता नहीं है मैं टॉप पे भी आ गया यार। हाँ तो गाइस हमारा किल देखते हैं कितना, 7 किल हो चुका है यार। और ये करेक्टर यार CS के लिए मतलब ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जो कूल डाउन है 180 सेकेंड है यार, 180 सेकेंड में यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, थोड़ा कम होता तो चलता भी। और यहाँ पे यार CS में तो इसको यूज़ करना ही मत ज़्यादा, मतलब जो करना चाहते हो वो कर लेना, और मतलब मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो मत ही करना यार, ये लॉन्ग जो मैप है उसमें यूज़ करने में बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे यार गाइज मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं करने वाला हूँ MP40 Max। अगर आपने इस वीडियो पे 500 लाइक एम का टारगेट पूरा कर दिया तो हम कर देंगे MP40 Max। यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास डायमंड पड़े हुए हैं, तो मैं भी चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।